स्टूडेंट्स, आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट मैथ है और हम यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं। आज हमारी एक्सरसाइज है 6.5। अब बच्चों 6.5 में क्या है कि बेसिक ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक फैक्टर, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, यानी कि आपके पास जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स एंड प्लस सिक्स। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। जाहिर बात है हम ऊपर वाली वैल्यूज की भी फैक्टराइजेशन करेंगे और नीचे हम अपना फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और नीचे भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले आपने 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 6x2। बच्चों हमें फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 6x2, और अगर हम उन्हें सब्सट्रैक्ट करें क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमारे पास क्या आ जाए 1x। अब हम देखते हैं 6 अपने टेबल में आता है, इसके अलावा 2 के टेबल में आता है, 2 और 3 के टेबल में। आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6x2, और 3 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1x। हमने इस टर्म को ब्रेक डाउन करके हमारे फैक्टर्स बन गए माइनस 3x एंड प्लस 2x। नीचे हम आपका फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया x का स्क्वायर एंड माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2 का स्क्वायर। यहाँ भी हमने फैक्टर बना दिए, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 2x2। अब फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2x2 आए और उन्हें सब्सट्रैक्ट करें तो 1x आए। 2 में से आपने 1x माइनस किए तो आपके पास क्या आ जाएगा 1x, और 2x को आपने 1x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x2। इसी तरह नीचे भी आपने इसी तरह फैक्टराइजेशन की कि एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x2 आ गया। फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 6x2 आए, और यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है इन्हें ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाए माइनस 5 है। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस 3x और माइनस 2x को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 5x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 6x2। फैक्टर बनाने के बाद उसमें हमने कॉमन निकाला, x2 और माइनस 3x में हमारे पास x कॉमन था, अंदर हमारे पास क्या रह गया x माइनस 3, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या कॉमन था प्लस 2, और अंदर हमारे पास क्या रह गया x, और 2 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे कि 6 आए, 2 3 6, यानी x माइनस 3। इसी तरह नीचे आपने फार्मूला खोला, आपके पास आ गया x प्लस 2 और x माइनस 2। यहाँ आपने फिर कॉमन निकाल दिया x2 और 2x में x कॉमन था, अंदर आपके पास क्या रह गया x प्लस 2, और यहाँ आपके पास क्या कॉमन था माइनस 1, अंदर आपके पास क्या रह गया x प्लस 2। नीचे भी आपने सेम ही वाला मेथड अप्लाई किया, यहाँ आपके पास x कॉमन था, अंदर आपके पास क्या रह गया x माइनस 3, और यहाँ माइनस 2 कॉमन था, अंदर आपके पास क्या रह गया x माइनस 3। यहाँ हमारे पास एक फैक्टर बन गया x प्लस 2 और x माइनस 3, और यहाँ आपके पास क्या बन गया x माइनस 1 और x प्लस 2, यहाँ आपके पास x प्लस 2 और x माइनस 2 और x माइनस 2 और x माइनस 3। x प्लस 2 और x माइनस x प्लस 2 आपके पास ऊपर नीचे से वैल्यू कैंसिल हो गई, रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 एंड प्लस x माइनस 1 और x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 और x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे एलसीएम, एलसीएम आप लेंगी डिनोमिनेटर आपका तमाम आपका एलसीएम बन जाएगा, यानी x माइनस 2 और x माइनस 3 आपका एलसीएम बन जाएगा। अब आपने इस x माइनस 3 को इस x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाले नंबर आपने आपस में इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब आप वेरिएबल के एलसीएम लेते हैं, और जाहिर बात है यहाँ x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 2 प्रेजेंट है तो जाहिर ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ x माइनस 3 इस x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 एंड माइनस 2। आपने x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड किया तो कितना आ जाएगा 2x2, 6x में आपने 1x माइनस किए तो आपके पास कितना आ जाएगा 5x, और 9 में से आपने 2 माइनस किए तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x ओवर x4 प्लस 1।
अब बच्चों हम क्या करेंगे इसको इसके मतलब बारी बारी हम इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल है। हम पहले ये वाले और ये वाले नंबर को सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस वन ओवर x प्लस वन माइनस x प्लस वन ओवर x माइनस वन। वही आपने, क्योंकि प्लस या माइनस के साइन होता है, तो आपने क्या किया, टेकिंग एलसीएम लिया। आपके पास x प्लस वन और x माइनस वन आपका एलसीएम आ गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x माइनस वन इस x माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस वन इस x प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपने x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन का होल स्क्वायर। आपने आपके पास आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस टू x प्लस वन और माइनस x स्क्वायर प्लस टू x एंड प्लस वन। बाकी के नंबर आपने एज इट इज उतार लिए। अब चूंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, अंदर के तमाम साइन बदल गए। ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गए और ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। माइनस टू एक्स में माइनस टू एक्स ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को सॉल्व करेंगे। वही एलसीएम आपने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका एलसीएम आ गया। स्टूडेंट आपने मतलब एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास x square minus 1 और x square plus 1 है। ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने minus 4x को x square से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, minus 4x cube। minus 4 को आपने minus 4x को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, minus 4x। इसी तरह plus 2x को x square से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, plus 2x cube। और plus 2x को minus 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया minus 2x। इन दोनों को आपस में वापसी आपने फार्मूले में बंद कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा, x4 minus 1 और minus 4x over x4 plus 1। अब अगेन आपने दोबारा LCM ले लिया, यहाँ आपने minus 4x cube में से 2x cube minus किए तो आपके पास कितना आ जाएगा, minus 2x cube। और 4x और 2x को ऐड किया तो कितना आ गया, 6x। अब LCM आपके पास दोबारा आपने LCM लिया, x4 minus 1 और x4 plus 1 आपका LCM आ गया। वही आपने इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2x cube और minus 6x को x4 से multiply किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, minus 2x7 minus 2x cube minus 6x5 and minus 6x। यहाँ 4x को x4 से multiply किया तो minus 4x5 and minus minus plus 4x। आपने जो सेम बेस और एक्सपोनेंट है आपने उनको ऐड कर दिया, यानी x5 4x5 में 6x5 ऐड किया तो कितना आ गया, 10x5। इसी तरह 2x cube में 6x 2x cube और आपने एज इट इज उतारा, और 4x और 6x में से 4x आपने माइनस किए तो आपके पास कितना आ गया, माइनस 2x। अब आपने इन दोनों को वापसी फार्मूले में बंद कर दिया, आपके पास क्या आ गया, x8 माइनस 1। इस पूरे नंबर में से आपने माइनस 2x कॉमन निकाल दिया, अंदर आपके पास क्या रह गया, x6 प्लस 5x4 प्लस x2 10 प्लस 1 ओवर x8 माइनस 1। अब बच्चों आपने ये दो क्वेश्चन मैंने आपको 6.5 के करवा दिए हैं। आगे आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप मुझे बताएं, अपना मैसेज करें कि आपने सॉल्व किए या कोशिश की है। उसके बाद आपके बताया बस दूसरे क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट अपने लेक्चर में सिखाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।